नमस्कार मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा डॉट कॉम इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिरसा में सिरसा के ऑटू से अबूतगढ़ रोड पे हूँ मैं और ये घग्गर के पास ही है जो बांध है वहाँ पे आज हमारे साथ काफ़ी संख्या में जो किसान हैं वो जुटे हुए हैं कल भी कई किसानों के फ़ोन आ रहे थे गिदना वाली साइड से और आज भी सुबह यहाँ पे किसानों का काफ़ी जो किसान हैं उन्होंने धरना लगाया हुआ दरअसल मामला ये है कि यहाँ पे घग्गर का जो बांध है वहाँ पर पाइपें हैं वो किसानों ने लगाई हुई है विभाग कह रहा है कि अनलीगल पाइप है यानी कि अवैध रूप से जो पाइपें हैं वो लगी हुई हैं पुराने समय से अब विभाग है उन पाइपों को उखाड़ना चाहता है और किसान हैं अब एकजुट हो गए हैं किसानों का कहना है कि वो पाइपें हैं वो नहीं उ उखाड़ने देंगे विभाग उनको इसकी परमिशन दे और दूसरा बड़ा सवाल ये है कि जब ये पाइपें विभाग कह रहा है कि अनऑथोराइज है यानी अवैध है किसान भी मान रहे हैं लेकिन पुराने समय से ये पाइपें आखिर लग ही क्यों पाई बड़ा सवाल ये है क्योंकि कही कहीं ना कहीं विभाग की बड़ी मिली भक्ति रही होगी आ, आ, उसी के चलते जो पाइपें लग गई अब विभाग है सख्ताई दिखा रहा है पाइपें उखाड़ना चाह रहा है और किसान हैं वो एकजुट हैं किसानों का ये कहना है कि आ, जब ये घगर नदी में जो पानी आ जाता है तो यहाँ पे यानी बीमारी फैलने का भी डर रहता है और जो है साथ लगते जो है कि किसानों को इसका पानी नहीं मिल पाता है और विभाग है वो इस पानी को आगे निकाल देता है या कुछ असरदार लोगों के खेतों में पानी लगाने के लिए जो है उनके जो पाइप है वो विभाग जानबूझ उखाड़ रहा है यानी कि रंजी जो है उनकी पाइपें उखाड़ रहा है और पीछे जो पाइपें लगी हुई हैं अवैध रूप से उनको नहीं उखाड़ रहा है यानी किसानों का ये कहना है कि या तो विभाग है सभी पाइपों को उखाड़ दे या जो पाइपें जो पहले से चल रही हैं या अब चल हैं उनको वैसे कि वैसे चलने दे तो अब विभाग और किसान है वो पूरी तरह से आमने सामने हैं आज सुबह एस डी ओ जे डिपार्टमेंट और मैं पीछे आपको दिखाऊंगा कि जैसी भी लेकर के पाइपों को उखाड़ने के लिए यहाँ पर पहुँचे थे और जो है किसान यहाँ पर एकजुट हो गए विभाग को कार्रवाई नहीं करने दी विभाग जो अधिकारी है वो बैरंग लौट गई हमारे साथ काफ़ी संख्या में जो किसान हैं हम उनसे चर्चा करेंगे कि क्या कुछ मामला है क्योंकि अबूतगढ़ गाँव का जो है तमाम जो किसान हैं वहाँ पर ये पाइपें लगी हुई हैं जिनको विभाग उखाड़ने के लिए आया था आज विभाग के जो अफसर आए थे पाइपों को उखाड़ने के

बट उसके बाद उन्नीस सौ पचानवे के अंदर नेहरा साहब की सरकार ने सभी को ये मुग् वितरित कर दिए भी आप कोई भी अपना मोगा लगा सकते हैं हाँ जी बिल्कुल जी। आप बांध को उखाड़ के अपना मोगा लगा सकते हो हमने अब मंजूरी ली ली है हम मंजूरी ले के हम उसके ऊपर अपनी पाइप लगाई है आज डिपार्टमेंट उसको उखाड़ने के लिए आ गए पीछे जो इनके रसूखदार थे डिपार्टमेंट के और जो आजकल सत्ता का सुख भोग रहे हैं उनके जो चेहते हैं उनको पानी उनके खुद अपना प्रशासन अपने हाथ से पाइपें अनलीगल तौर पर बिना मंजूरी के लगा के दे रहा है उनको उखाड़ नहीं रहे और यहाँ पे जो हमारी लीगल है उसको ये उखाड़ने के लिए आए हुए हैं जी क्या कहना चाहेंगे जिस तरह हंजी। हंजी, जी इस तरह जी आप हम यहाँ खड़े हैं और सरकार जो है अपने चेतों को यहाँ से 40-40 किलोमीटर दूर रें बनाकर पाइपलाइन भी अब दो मंजूर हुई हैं सरकार अपने खर्चे पे उन लोगों को तो पानी दे रही है या तो सरकार में जो लोग बैठे हैं उनके रिश्तेदार हैं या उनके चेते हैं लेकिन जो ये घर का बांध है इनके बिल्कुल <laughs> नज़दीक वाले गांव है चाहे ओटू है बूथगढ़ है धनूर है इन किसानों को ये पानी लगाने से मना कर रही है ये पुराने टाइम से मोगे लगे हुए हैं अब पानी घर में आता है और आगे नुकसान करता है थोड़े दिन पहले यहाँ आगे नकोड़ा गाँव के किसानों का मटर वगैरह फसलों का बहुत नुकसान हुआ ये ये पानी है हमें नहीं लगाने दे रही जबकि यहां पर पानी पीछे फैक्ट्रियों का बदबूदार पानी आता है तो उस समय जो बदबू है वो हम झेलते हैं घर के साथ बैठे जो लोग हैं वो झेलते हैं लेकिन घर का पानी है वो हमें नहीं लगाने दे रहे तो हम इन किसानों के साथ हैं जितने भी या किसी के खेत में पानी नहीं लगता हम किसी भी कीमत पर यह पाइप जो है इसको उखाड़ने नहीं देंगे नहीं दे दे। उखाड़ने देंगे हम किसानों के साथ हैं जी धन्यवाद हां जी आ, आपको क्या कहना चाहेंगे सर जिस तरह से यह पाइपलाइन लगी हुई है आज विभाग उखाड़ने के लिए आया है सर इन पਿੰਡਾਂ ने ज़मीनें दीतीयां होइयां हैं जी हां जी कोई खरातच नहीं पानी दे रही सरकार इनहां नु हां जी ए ਸਾਡੇ ਮੋਗੇ ਸੀ ਹੁਣ ਮੋਗੇ ਨੀਵੇਂ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਾਈਪ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੂੰ ਚ ਇਲੀਗਲ ਕਹਿ ਦੇਣੇ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਜੋ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਆਪ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਾਵਰਫੁੱਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਹਰਾਸ ਕਰਨਾ ਤੇ ਬੀਜੀਪੀ ਬੀਜੀਪੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਟੋਟਲੀ ਐਂਟੀ ਫਾਰਮਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੀਆਂ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ 10 12 12 15 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਪਾਈਪਾਂ ਪਈਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਪਈਆਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਏ ਹਾਂਜੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਲੋਂ ਸੇ ਡਾਲੀ ਹੋਈਆਂ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਲੀਗਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਜੇ ਖਾਲੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਇਲੀਗਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਗਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ 40 50 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਖਾਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖਰੇ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਸੁਤੇਲੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵਸਦੇ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਝੀਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰਕਬਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ 8900 ਏਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ 1800 ਏਕੜ ਇਹ ਝੀਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 900 ਏਕੜੇ ਪਹਿਲੇ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ 2006 ਚ ਖਟਾਈ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਵੀ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੇਕ ਬਣਾਈ ਜਾਏਗੀ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਹੱਬ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਇਹਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਲਈਗੀ ਤੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਹੱਬ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਮਿੱਟੀ ਖਟਾਣ ਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਖਾ ਗਏ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਖੱਟਣ ਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਖਾ ਗਏ ਹਾਂਜੀ ਮਿੱਟੀ ਉਹ ਖਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਵਰਫੁੱਲ ਲੋਕ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ ਦਾ ਸਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂਜੀ ਬੁਮਾਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਭੁਗਤੀਏ ਕਾਲਾ ਪੀੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਭੁਗਤੀਏ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਅਸੀਂ ਭੁਗਤੀਏ ਮੱਛਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਰੀਏ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਬਣ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ ਜਰੂਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਲੀਗਲ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਇਹ ਇਲੀਗਲ ਗਿਣਦੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲੀਗਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੁਕਾਦਾਂ ਤੌਰ ਤੇ ਤੇ ਇਹ ਥੋੜਾ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਲੈ ਲੈਣ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਪਟੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲੀਆਂ ਟੂਵਲ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਟੂਵਰ ਤਾਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਜੀ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਾਂਜੀ ਜੀ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਅਭੀ ਇਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਆਪਸੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨੇ ਬਾਤ ਕਰੀ ਸੀ ਕੀ ਕੋਈ ਬਾਤ ਚੀਤ ਹੋਈ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਤਾ ਪੜਨੇ ਦੋਨੇ ਕੋ अच्छा हां पर हमने मना किया अभी नहीं पढ़ने देंगे अच्छा आप नहीं मानते मुझे ऐसा है जी ये पैप ਲੈਣਾ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹਨ जी ਤੇ ਜਦੋਂ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੀਲ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਹੋਈ ਨਾ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਗਈ ਝੀਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੈਵਲ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਹੁਣ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਡੀਜ਼ਲ ਫੂਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ 100 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀਜ਼ਲ ਕਰਤਾ ਹੁਣ ਬਈ ਡੀਜ਼ਲ ਸਾਡੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਪੱਟ ਕੇ ਥੱਲੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲਗੇ ਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਅਵੈਧ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵੈਧ ਕਰੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਕਰੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਕੋ ਵੈਧ ਕਰੇ ਪੜਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਪੜਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇਹਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ہماری ਲੜਾਈ ਸਰਕਾਰ ਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਾਰੀ ਲੜਾਈ ਫਸਲ ਔਰ نسل ਕੀ ਹੈ ਜੀ ठीक है जी यदि हमारी फसल होगी तो हमारी आने वाली नस्लें सुधर जाएंगी नहीं तो डार्क जोन एरिया दिया हुआ है आज न कल या परसों ये ट्यूबवेल का पानी वाटर लेवल अरे एक हरियाणा का मनोहर लाल खट्टर जो मुख्यमंत्री जी हैं हमारे वो ये बात हर बार कहते हैं मेरा पानी मेरी विरासत आज हम पानी मेरा पानी मेरी विरासत की नीति पे हम अपना पानी जो बरसाती पानी है जो पीछे पंचकुला का पानी आ रहा है हम उसको अपने खेतों में लगा रहे हैं नीचे का पानी हम बचा रहे हैं बट क्या है उसका

तो ऐसी अवैध पाइपें और भी लगी हुई हैं जैसे किसान भी बता रहे हैं कि पीछे भी काफी लोगों ने लगवाई आगे भी लगवाई है। देखो जब मेरे एरिया में है मेरे पास तीन की है अवैध नहीं है परमिशन है लेकिन नीचे लगी हुई है ठीक है अगर नीचे है तो नीचे वाली तो हटेगी ये तो है नहीं अगर हाँ जो परमिशन की है ऊपर जैसे जो है लगा लो कोई दिक्कत नहीं हमें सब बड़ा सवाल यही है की जब ये पाइपें आप भी कह रहे हैं अवैध है किसान भी कह रहे हैं की अवैध है तो ये लग लगी क्यों यानी की कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट की मिली के कारण पुराने टाइम में लगी होगी पैसे दे करके ये लग, लगी क्यों क्यों पाई है जिनको अब उखाड़ने की जरूरत पड़ रही है नहीं लगी नहीं एक तो जैसे अभी आगे है तेरा दो पे है पाइप कुछ टाइम पर लगी थी ठीक है उसकी कार्रवाई चल रही है हमने जो डिपार्टमेंट कार्रवाई होती है वो सारी कर रखी है ठीक है अगर अब जो होगा तो वो भी हटेगी अभी हटाएंगे उसको लगी क्यों पाई मेरा सवाल ये है कि अब जो उखाड़ने की जरूरत पड़ रही है जिन पाइपों को ये लग क्यों लगी क्यों क्योंकि या तो विभाग सोता रहा पहले या जो है किसानों ने कोई साठ गांट करके डिपार्टमेंट से लगवाई ना डिपार्टमेंट से कोई साठ गांठ नहीं इस चीज की जी। जैसे अभी अभी रात को लगी है ठीक रात को पता चला रात को मेरे पास फोन आ गया जब तभी मेरा स्टाफ मैंने दे भेज दिया उसके बाद बंद करवा दिया जी। तो अब क्या स्टेटस है किसान क्या कह रहे हैं इसको लेकर के किसान तो ये कह रहे हैं अब नेट आएंगे लेकिन इलीगल है नीचे दबी हुई है परमिशन पाई पर जो ऊपर लगी ठीक है वो है जो नीचे दबी है वो मैं चेक करूँगा अगर जमींदार करेगा नहीं है अगर नहीं है तो एक बार चेक करवा दे मैं चेक कर लेता हूँ अगर नहीं है तो ठीक है तो इस वक्त हम मौजूद हैं अबूतगढ़ में और यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें कि जहाँ पे आज विभाग के जो अधिकारी हैं वो पाइपलाइन उखाड़ने के लिए पहुंचे थे और किसान हैं उनको जो है पाइपलाइन है वो नहीं उखाड़ने दे रहे और विभाग के जो अधिकारी है वो हैं वो बैरंग लुट गए तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर दीजिए ताकि तमाम इन किसानों की आवाज़ सरकार तक जरूर पहुंचे बहुत बहुत शुक्रिया